ऑल राइट, चेक इन स्टार्ट हो गया. एंड गाइस सी, ओ अभी तो 40 था बिल्कुल, अब हो गया. आई वाज लाइक खड़े खड़े हवा से हो गया क्या, बट एग्जैक्ट 40 देख रहे हो कितने प्रो हो गए. और भीड़ तो बहुत है. ऑलराइट, लाइन में लगे हैं. 20 मिनट की लाइन है गाइस, 21 मिनट की. यू कैन सी कितनी लंबी लाइन है. दैट्स अ वेरी लॉन्ग लाइन राइट नाउ. व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, चल रहे हैं हम लोग कैनकुन और एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं. शटल ले ली एक होटल से और 10 मिनट में पहुंच गए, इतना पास था होटल. और लकीली हम लोग 3 घंटा पहले आ गए हैं यहाँ पर और बहुत लंबी लाइन है, तो अच्छा है हम लोग 3 घंटे पहले आ गए हैं. अब आराम से चेक इन हो गया, बिल्कुल 40 pounds निकला बैग, चेक इन कर लिया हमने. एग्जैक्ट 40. अब बस जाके सिक्योरिटी करेंगे, सिक्योरिटी के बाद बोर्डिंग की वेट करेंगे. मैं सोच रहा हूँ टाइम मिला तो लैप वीडियो बना लूँगा, अभी लैपटॉप पड़ा पड़ा ही है, क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के. सुबह उठ गए थे हम लोग 4 बजे, सो के उठ गए थे. वाओ दैट वाज अ लॉन्ग लाइन, काफ़ी लंबी लाइन थी. और फाइनली बोर्डिंग ले जा रहे हैं, सिक्योरिटी हो गई है, नो इश्यूज़, ऑल क्लियर. मैं सोच रहा हूँ अगर करेंसी एक्सचेंज मिल जाए बीच में तो करेंसी कन्वर्ट करा दूँ. वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं होगी वहाँ पे पीसोस की, कार्ड चलते हैं, बट हाँ थोड़े बहुत यू नो लोकल सिटी में चाहिए तो काम आ जाएगा. वाओ गाइस, सुबह 6 बजे भी इतनी भीड़ है, यू कैन इमेजिन. हाँ मतलब यू नो ये मत सोचना आप कि अगर सुबह की फ़्लाइट है तो भीड़ नहीं होगी, बहुत लोग होते हैं सुबह भी आजकल. सुबह 6 बजे इतनी भीड़ है, हमारी फ़्लाइट है 8:30 बजे, तो वी शुड बी गुड. गाइस सनराइज़ हो रहा है और हमारा प्लेन आ चुका है. आई गेस क्लीनिंग वगैरह हो रही है अभी, थोड़ी देर में निकलने के लिए रेडी. और यहाँ रजत को देखो, वीडियो एडिटिंग हो रही है. वेकेशन पे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी वीडियो एडिटिंग नहीं होगी, वीडियोस तो आएंगी ही आएंगी, दिखाएंगे तो बनाएंगे तभी आएंगी, तभी देख पाएंगे आप. बट सनराइज़ कितना सुंदर लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज सा. क्या लाइक शिल्पा, सही है? मैं तो भूख भी नहीं है, मैंने वो खा लिया ना कल के बरीडो बचे हुए थे. हाँ ये 15 डॉलर की दो चीज़ें, मैंने एयरपोर्ट कितना महंगा होता है यार. स्मार्ट वाटर लाई हो ना तुम, स्मार्ट वाटर 4 डॉलर का, कम ऑन मैन, चोर थे एयरपोर्ट पे सब के सब. एनीवे गाइस, हमारा व्यू ब्लॉक कर रहा है कोई. प्लेन तो चला गया आपके साथ, हमारा प्लेन है, प्लेन चला गया. मैंने वीडियो बनाई थी, शिल्पा ने उल्लू बना दिया गाइस आपको, वो हमारा प्लेन नहीं था, हमारा प्लेन अब आएगा. ओके वीडियो तो बन गई है, मैं ज़रा डाउनलोड अपलोड स्पीड देख रहा हूँ, 20 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही है, तो पता नहीं अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा. कर देता हूँ, आधा घंटा तो है मेरे पास अभी. आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया हमारा प्लेन, आ गया है ये पक्का हमारा, इस बार तो हमारा ही है पक्का. ऑलराइट लेट्स गो, मैक्सिको में चलते हैं, मैक्सिको की जर्नी शुरू करते हैं कैनकुन की. चलो 28 नंबर खाली सा पड़ा है. तो गाइस एयरप्लेन मोड में डाल दिया हमने प्लेन, और हम आपने कहा एयरप्लेन मोड पे डाल दिया प्लेन, एयरप्लेन मोड में डाल दिया फ़ोन, और नेटफ्लिक्स में हम डाउनलोड करके आए. शिल्पा सर अनलॉक करना, तो अरे मुँह पर लगाया तो अपना वाला हो गया, हो गया दैट्स फनी. अब नेटफ्लिक्स पे हम देख लेंगे शोज, डाउनलोड करके लाए. जबरदस्ती खुलवा दिया ना फ़ोन, बढ़िया मुंह पे डालो और अन्ना हो जाता है. शिल्पा तुम्हारा स्मार्ट वाटर पे चक गया, स्मार्ट वाटर स्मार्ट नहीं रहा शिल्पा तुम्हारा. एयर गाइस देखना, एयर प्रेशर की वजह से कैसा हो गया, पिचक गया, फुस करके फूटेगा, फुस हो गया, तो नहीं हुआ ऐसा, हो गया स्मार्ट वाटर स्मार्ट नहीं रहा शिल्पा तुम्हारा. थैंक यू, बाय. ऑलराइट पासपोर्ट कंट्रोल लेफ्ट, लेट्स सी कैनकुन का एयरपोर्ट कैसा है. मैंने सुना बहुत भीड़ होती है और बैगेज में और इमिग्रेशन में बहुत भीड़ होती है, लेट्स सी. ऑलराइट 2 घंटे की फ्लाइट थी, बहुत क्विक आ गया, पता भी नहीं लगा. ओला गाइस, ओला हम लोग आ गए हैं मैक्सिको कैनकुन. थैंक यू, ग्रासियस ग्रासियस बोलना शुरू करेंगे गाइस. अब हम लोग, हमारी इमिग्रेशन हो गई है बहुत प्यार से, जेलिसन
दिख रही है मुझे यहाँ पे, बट नो 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 प्राइस देख लो, प्राइस तो देख लो एटलीस्ट, प्राइस क्या करेंगे देखते हैं। $34 और छोटी बॉटल है, नहीं रजत छोटी बॉटल है, ये तो आई आपकी वाली। ऑलराइट, हम बैग पैक पिक करेंगे नंबर 2 पे, बहुत भीड़ है एज यू कैन सी। आधा घंटा हो गया है और अभी बैग नहीं आए हैं। कहते हैं कि यहाँ पे ना अगर आपके पास चेक इन है तो टाइम लगता ही लगता है, या तो आप कैरी ऑन लेके आओ, और हमें तो चेक इन ही लाना था। और अभी आई थिंक कस्टम का कुछ चल रहा है, क्योंकि बैग भी कस्टम के थ्रू आते हैं तो वहाँ पे टाइम लग रहा है। लेट्स सी, थोड़ी और वेट करते हैं फिर चलते हैं बाहर। हमने कैब ऑलरेडी बुक करा रखी है होटल तक के लिए। और 35 मिनट बाद पहले बैग आने शुरू हो गए हैं, तो कई लोग ना इसलिए चेक इन लाते नहीं है, बट हम तो यहाँ तो आने लग जाएंगे बैग्स। और राइट, मिल गए बैग्स, आ गए हमारे बैग्स। नथिंग टू डिक्लेयर ऑन योर लेफ्ट, तो हमें पास तो कुछ नहीं डिक्लेयर करने के लिए, तो चलो बाहर से चलते हैं। कस्टम्स ऑफिसर भी खड़े हैं यहाँ पे डॉगीज के साथ, ये प्यारे प्यारे डॉगीज। ऑल राइट, हम एग्जिट कर गए हैं, हमारी कैब रेडी होगी अब। यहाँ गाइज शुभम तुम्हें पता ना क्या, यहाँ पर वो आते हैं टाइम शेयर शार्क बोलते हैं इनको, टाइम शेयर शार्क। गाइज बिल्कुल कुछ ना खरीदे उनसे, बहुत सारे लोग आएंगे, हमसे ले लो हमसे ले लो करके ना अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगे आपको। मत लेना मत लेना मत लेना। अब हमारी एक कंपनी है शटल की, ई ट्रांसफ़र करके उसको देखना है कहाँ पर है। हाँ बाहर होंगे, लेट्स सी। हेलो थैंक यू वेलकम ग्रेसियस टू रिजर्वेशन। अरे वो शार्क वाले एरिया का है, ऐसे ही बोल रहे थे, देखो बदनाम कर दिया। वेलकम टू मेक्सिको, एक्सक्यूज मी हु इज सपोज्ड टू पिक यू अप गाइस, थैंक यू। ओके थैंक यू, फ्री मैप कुछ तो दे रहा है वो, फ्री पता नहीं। तो बाहर चल के हमारी कैब रेडी होगी। ऑल राइट, जैकेट उतार दी मैंने, गर्मी हो रही है ऑलरेडी। कहाँ पर ई ट्रांसफर हो रहा, ई ट्रांसफर करके खड़ा है यहाँ पर मार्केट, वो मार्केट बाइक पे चलते हैं वहाँ पर। ई ट्रांसफर यहाँ पर है, इनसे बात करनी है हमारी कैब इनके पास है। वेलकम टू कैनकुन सिंगम, कैनकुन में आपका स्वागत है। और एयरपोर्ट पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है मेरे पीछे, बहुत लोग हैं, बहुत यहाँ पे आपको ना बुलाते हैं कि हमारे पास आओ हमारे पास आओ, हम आपको डील देंगे डील देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करती गाइस। तो हमारी कैब ऑलरेडी बुक थी, मैंने ऑनलाइन बुक करा ली थी, तो बस उसकी वेट हो रही है अभी, मैंने आपको दिखा दूँ एक बार। बस बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है इंडिया, इंडिया जैसा लग रहा है। इंडिया में तो ऐसे ही होता ना, अरे इंडिया में ऐसे तो होता है, आधे लोग आते हैं आपकी हेल्प कराने लग जाते हैं और बाद में कहते हैं पैसे दो दो पैसे दो दो। जबरदस्ती आगे चढ़वा देते हैं अपना कार में रखवा देते हैं, तो फिर कहते हैं कि उसके पैसे दे दो। तो ये गाइस टूरिस्ट कैंप से इनसे दूर रहे आप। फाइनली चल दिए, हमारा नंबर आ गया आधे घंटे में 30 मिनट्स। अच्छा यहाँ पर पिकअप होगा इनका। बस में जाएंगे कि कार में जाएंगे शिल्पा? ये तो कुछ, ये तो एयरलाइंस की है, एयर कनाडा।
गाइस मौसम मौसम बढ़िया हो रहा है, मस्त गर्माहट है, गोवा की याद आ रही है। और भाई ट्रांसफर आधे घंटे में आइए गाइस। This is the best beach in Cancun, Playa del Venus. Wow, so many people. Wow, so many cars. Wow, so blue water. Wow, it's so pretty. Today is amazing. Wow. Different colors. Yes, yeah. It's blue color. Yeah. Yes. The sun is white. Yeah. Today is busy. Much the police. Wow, look at the water. Guys, this is the best beach in Cancun. This place is famous because here is the sign for the picture. Cancun sign. Okay. Yes, we'll be coming here. Our driver ne hame bataya ki this is the best beach in Cancun, Playa del Venus. Wow, kitne, so many people. See? People line hai abhi. There's a line. Oh, to take the picture, huh? To take a picture. Oh, there's a line. There's a line. It's the line for the picture. Yeah. Nice. Cancun sign. Alright, we'll come. गाइज हम लोग रूम पे पहुंच गए। बहुत बढ़िया होटल है, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है। इसकी ना प्रॉपर एक स्पेशल रूम टूर की वीडियो बनाई है, आएगी जल्दी, बहुत बहुत जल्दी आएगी चैनल पे। पर एज अ वेलकम गिफ्ट और इसका मतलब मैं वो मिला, मैनेजर मिला मुझे नीचे, इसका नहीं मतलब होटल का मैं ऐसा कर रहा था मुझे लगा शिल्पा की तुम्हें तो होटल का मैनेजर मिला नीचे, बहुत अच्छे लोग हैं और मैक्सिकन तो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे, फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है। लेट मी शो यू क्या लाए हमारे लिए, कॉम्प्लीमेंट्री। लेट मी शो यू गाइस, दिस इज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री गाइस। देखो लेट मी शो यू क्या है। गुआकामोले एवोकाडो से बनता है, चिप्स सालसा और ये कह रहे कि यहाँ का लोकल है अनियन विद चिली, तो कह रहे हैं इट्स स्पाइसी। नाइस, स्मेल भी आ रही बड़ी अच्छी। ये कुछ देखो मैक्सिकन अपने चिले विद चीज है, अच्छा स्पाइसी कर दिया ना उन्होंने, नट्स हो गया। और ये कुछ लोकल अल्कोहल ड्रिंक कहता है यहीं पे मिलती है सिर्फ युकटन एरिया में, तो ये लेके आए मान लिए। देखो कितनी बढ़िया प्लेट थी, है ना, मैक्सिकन लग रही है, बढ़िया लग रहा है। और एक बियर बकेट लाया मान लिया। That's amazing, man. कितने बढ़िया होटल रिजॉर्ट और लोग भी कितने अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी तो हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, एक्चुअली कल से निकले हुए हैं डैलस से, तो फिर देखते हैं कैसा करना है। बाकी व्लॉग चालू है और रूम टूर की वेट करना, कल आएगी चैनल पे, होपफुली शायद कल ही आएगी। बाकी व्लॉग चालू है, मिलते हैं आपसे दोबारा। अरे मैक्सिकन एड्स गाइस, हम लोग यूट्यूब चला रहे थे, मैक्सिकन एड्स आए। देखो चलो स्किप कर दो शिल्पा, अगला क्या लगाया क्या तुमने, देखिए शिल्पा क्या लगाया, ये कुछ लगाया शिल्प ने क्या, आज मैक्सिको चलिए। हाँ। तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग है क्या? नहीं मतलब मैक्सिको आए हैं तो ये पता है ना। अभी हम तैयार होकर रिजॉर्ट घूमने निकले हैं, एक्सप्लोर करने निकले हैं, क्योंकि रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि अभी तो हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे, और इसका टूर भी देना है आपको, उसमें भी टाइम लगेगा, जब तक हमें खुद ही नहीं पता होगा हम आपको क्या दिखाएंगे। तो बस डिनर भी करके आएंगे, तो चलो देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं हम लोग। गाइस अगर आपको ऐसे लाल झंडे मिले तो बीच पे ना जाएं, इसमें हाईवे चल रही है। हाँ हम भी दूर है काफ़ी, बहुत दूर है हम लोग बस ऐसे वॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कुछ है क्या अच्छा आसपास, या तो डिनर के लिए मिल जाए कुछ। गाइज सी वॉट अ व्यू, मेरे बालों वाले पैर को इग्नोर करें आप, अब देख लेते हैं, अब देखें आप कितना अच्छा व्यू है ना। मैं कह रहा था शिल्पा को दिखा देता हूँ, शिल्पा कहती नहीं लोग ऐसे बालों वाले पैर थोड़ा देखना चाहेंगे। शिल्पा के हाँ ऐसे देख लो, वैक्स वाले पैर देख लो आप, बट पैर जोक से पार्ट आप व्यू देखो, आपको आना चाहिए गाइज। कम टू कैनकुन, एक्चुअली गो टू कैनकुन नॉट कम।
मतलब हम जब तक आप आओगे तब तक हम तो चले जाएंगे, तो गो टू कैनकुन, आपको आपको जाना चाहिए, अच्छी जगह है और अब तक तो लोग भी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। सिटी घूमने का मन कर रहा है, प्लान कर रहा हूँ, सिटी घूमते हैं तब आपको बताएंगे कि एक्चुअल में लोकल कैसे है। लेट्स सी। ओके, मैंने डिनर में मंगवाया है कैसेडिया, चीज़ एंड स्पिनच का है कैसेडिया, मैं तो ये खा रहा हूँ क्योंकि वेजिटेरियन थोड़ा सा मुश्किल था। शिल्पा ने श्रिम्प मंगवाया, राइट, पता नहीं कुछ बोल रही हो, समझ नहीं आया, तो चलो डिनर खाते हैं फिर चलते हैं। गाइस डिनर तो हो गया है पर कुछ खास मज़ा नहीं आया सच सच बताओ तो, क्योंकि हम वेजिटेरियन ऑप्शन थी, स्पिनच और चीज़ का कुछ बना हुआ कैसेडिया था, मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पर ना ऑल इंक्लूसिव भी मिलता है इस वाले रिजॉर्ट में ही, तो साइन अप कर लिया आपने तो दो दो तीन रीजन से, एक तो दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा और सोचना नहीं पड़ेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ऑल इंक्लूसिव के लिए साइन अप कर लिया है, कल से ऑल इंक्लूसिव खाएंगे इसी रिजॉर्ट में। और विद दैट बीइंग सेड हम लोग पहुंच गए अपने रूम पे, करते हैं आज का ब्लॉग बंद, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय गाइस।